कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बार फिर कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पिछड़ा वर्ग विरोधी बताया है। इस दौरान कमल पटेल ने कहा, ओबीसी वर्ग कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। देश में 60 साल कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, लेकिन ओबीसी वर्ग को हाशिए पर रखा। उन्होंने कहा, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और ही होते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 27% आरक्षण दिया, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। साठ साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन पिछड़े वर्ग को संवैधानिक आयोग को दर्जा नहीं दिया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने पिछड़े वर्ग के आयोग को केंद्र पर संवैधानिक दर्जा दिया, जिस प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा, उसी प्रकार पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया, 27% आरक्षण दिया। लेकिन कांग्रेस कहती कुछ और करती कुछ, हाथी के दिखाने के साथ अलग और खाने के अलग होता है। और इसलिए कांग्रेस ने विधानसभा में तो 27% जब मोदी जी ने किया तो इन्होंने ताबड़तोड़ लेकर आए, लेकिन कोर्ट के अंदर हाईकोर्ट में जब उन्होंने पिटीशन लगी तो एडवोकेट जनरल को खड़ा नहीं किया और ओबीसी के खिलाफ पिछड़े वर्ग के खिलाफ अलग हो गया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कांग्रेस गई। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य माननीय विवेक तनखा जी कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए और ओबीसी का पिछड़ा वर्ग को पंच सरपंच जनपद जिला सब खत्म करा दिया आरक्षण, जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों को जो उनका हक है उसे छीना गया। और इसलिए कांग्रेस की हम निंदा करते हैं, कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। पिछड़ा वर्ग कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा।